देश के नंबर वन न्यूज चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले बात उस खबर की जिसने 27 देशों में वॉर सायरन बजा दिया है। वजह, व्लादिमीर पुतिन के एक न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान। रूस ने अपने दुश्मनों को टेंशन देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया, इतना बड़ा कदम जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इससे परमाणु युद्ध तक छिड़ सकता है। आसमान में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर उड़े, धरती पर रूस के कितने दुश्मन देश डरे। क्या इन तस्वीरों में तीसरे विश्व युद्ध का सिग्नल छिपा है? इस मूवमेंट को लेकर पूरी दुनिया में हलचल क्यों है? इस वीडियो के सामने आने के बाद नए युद्ध की आहट क्यों सुनाई दे रही है? वो भी परमाणु युद्ध की आहट। इन सभी सवालों के जवाब सिलसिलेवार तरीके से आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उन डरावने सवालों को भी जान लीजिए जिन्होंने नए युद्ध की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। रात के अंधेरे में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर की इस उड़ान को परमाणु युद्ध की सीधी चेतावनी के तौर पर क्यों देख रही है दुनिया? रूस के इस परमाणु बम वर्षक विमान के टारगेट पर कौन है? इस विमान के उड़ने से किन किन देशों में इमरजेंसी सायरन बज उठे? क्या यह विमान रूस के परमाणु बम से लैस था? अगर विमान में परमाणु बम लगा था तो परमाणु बम पर किस देश का नाम लिखा था? रूस के दुश्मनों की सबसे बड़ी डर की वजह देख लीजिए। पुतिन ने अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर TU-160 को बेरेंट सागर के ऊपर उड़ाया है। रूस ने अपने इस न्यूक्लियर बॉम्बर को नॉर्वेजियन सागर के ऊपर उड़ाया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने दो TU-160 न्यूक्लियर बॉम्बर को बेरेंट और नॉर्वेजियन सागर में 14 घंटे से अधिक देर तक उड़ाने की योजना बनाई है। इस प्लान के तहत रूस के विमान रात हो या फिर दिन हवा में ईंधन भरने का अभ्यास किया। इस अभ्यास में TU-160 के साथ MiG-31 भी शामिल हुआ। TU-160 रूस का अहम परमाणु बम वर्षक विमान। रूस ने जब से इसका वीडियो जारी किया है पूरे नेटो में खौफ की लहर दौड़ गई है, क्योंकि रूस के ये ऐसे बम वर्षक विमान हैं जिनके जरिए रूस किसी भी देश पर परमाणु बम से हमला कर सकता है। ऐसे ही विमानों का इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन पर भी कर चुके हैं और बाल्टिक इलाके में उनके ये विमान लगातार उड़ान भरते रहते हैं। रूसी सेना के पास पहले से 16 TU-160 बॉम्बर है। रूस इन्हें अपग्रेड करने में लगा है। साथ ही साथ रूस 50 TU-160M बॉम्बर को अपनी वायुसेना के बेड़े में शामिल करने पर तेजी से काम कर रहा है। रूस की तरफ से भले ही ये कहा जा रहा है कि ये विमान में ईंधन भरने का अभ्यास था, लेकिन नॉर्वेजियन सागर के ऊपर उड़ान भरकर रूस ने सीधे सीधे चार देशों को चुनौती देने की कोशिश की है, क्योंकि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क के हवाई मेल ने पुतिन को टेंशन में ला दिया है। रूस से मुकाबला करने के लिए इन चारों देशों ने मिलकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब चार देश के लड़ाकू विमान एक साथ मिलकर रूस को जवाब देंगे। इसके लिए इन चारों देशों ने एक ऐसा करार किया है जिसके तहत इन चारों देशों ने एक साथ रूस से मुकाबला करने का फैसला किया है। साथ मिलकर एक दूसरे के आसमान की हिफाजत करेंगे। अगर चारों देशों में से किसी भी देश की हवाई सीमा में कोई हरकत हुई तो चारों मिलकर जवाब देंगे। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त नॉर्डिक वायु रक्षा समझौता किया है जिसका मकसद है रूस से बढ़ते खतरे का मुकाबला करना। इसके लिए करार में तीन बड़े फैसले किए गए हैं। पहला फैसला संयुक्त कमान और नियंत्रण,
दूसरा फैसला संयुक्त हवाई क्षेत्र निगरानी, तीसरा फैसला संयुक्त हवाई युद्ध अभ्यास। इस समझौते को स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क के वायुसेना कमांडरों ने मिलकर किया, जिसे नॉर्डिक हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा पहल बताया जा रहा है। संयुक्त नॉर्डिक वायु रक्षा समझौते पर चारों देशों के वायुसेना प्रमुखों ने दस्तखत किए हैं। फिनलैंड के वायुसेना प्रमुख मेजर जनरल जोहा पेका केरनन, स्वीडन के मेजर जनरल जोनास विकमैन, नॉर्वे के वायुसेना प्रमुख मेजर जनरल रॉल्फ पोलैंड और डेनमार्क के एयरफोर्स चीफ मेजर जनरल जॉन डैम ने मिलकर इस करार को अमली जामा पहनाया है। इस करार के तहत अब किसी भी देश के हवाई इलाके में कोई घुसपैठ हुई तो चारों देशों की वायुसेना मिलकर जवाब देगी। इस करार के पूरा हो जाने के बाद रूस से जंग के हालात में अगर एक तरफ रूस के लड़ाकू विमान होंगे तो दूसरी तरफ स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क के 300 से अधिक लड़ाकू विमान होंगे। साफ है अब अगर रूस की एयरफोर्स इन देशों को डराने की कोशिश करेगी तो चारों देशों के फाइटर जेट मिलकर जवाब देंगे। नॉर्वे के पास 57 F-16 फाइटर जेट और 37 F-35 फाइटर जेट है। इसके साथ ही नॉर्वे ने 15 और फाइटर जेट का ऑर्डर दिया है। फिनलैंड के पास 62 F-18 हॉर्नेट जेट है, वहीं 64 F-35 का ऑर्डर दिया हुआ है, जबकि डेनमार्क के पास 58 F-16 है, 27 नए F-35 खरीद रहा है। वहीं स्वीडन के पास 90 से ज्यादा ग्रिपेंस जेट है। दरअसल चारों नॉर्डिक देशों को आशंका है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन पर अटैक कर सकते हैं। यही वजह है कि चारों देशों ने रूस की सेना के आक्रमण की सूरत में करारा जवाब देने के लिए ये फैसला किया, अपनी हवाई सीमाओं को महफूज करने का प्रण लिया। नॉर्डिक देशों को आशंका है कि रूस अपने मेनलैंड के साथ साथ कलिनिनग्राद से हवाई हमले कर सकता है, मिसाइल अटैक कर सकता है। विदेशी मीडिया के मुताबिक नॉर्डिक देशों को बड़ा खतरा कलिनिनग्राद से उड़ने वाले रूस के लड़ाकू विमानों से है। कलिनिनग्राद से स्वीडन की दूरी 870 किलोमीटर है, कलिनिनग्राद से डेनमार्क की हवाई दूरी 514 किलोमीटर है, कलिनिनग्राद से फिनलैंड 1000 किलोमीटर दूर है, वहीं कलिनिनग्राद से नॉर्वे की दूरी 818 किलोमीटर है। कलिनिनग्राद बाल्टिक सागर से लगा है। रूस की नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय कलिनिनग्राद में है। कलिनिनग्राद 223 किलोमीटर के इलाके में फैला है। ऐसा माना जाता है कि कलिनिनग्राद में रूस ने परमाणु हथियार लगा रखे हैं। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने कलिनिनग्राद में ही परमाणु हमले का अभ्यास किया था। रूस की कई परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां इस बेस पर तैनात रहती हैं। ऐसे में अगर नॉर्डिक देशों से रूस का युद्ध हुआ तो उन्हें आशंका है कि रूस इस बेस से परमाणु हमला तक कर सकता है। वहीं नॉर्वेजियन सागर के मीलों दूर बाल्टिक सागर में एस्टोनिया के पास रूस के 3 फाइटरों को आगे बढ़ते देख नेटो के विमान उनके पीछे पड़ गए। बाल्टिक सागर में रूस के 3 लड़ाकू विमान नेटो देश एस्टोनिया के बेहद नजदीक पहुंच गए। रूस के लड़ाकू विमानों के पहुंचते ही वहां खलबली मच गई। रूस के इन 3 विमानों ने बाल्टिक सागर के ऊपर एस्टोनिया के उत्तर पश्चिम के इलाके में उसके बेहद नजदीक उड़ान भरी। रूस के विमानों को जवाब देने के लिए ब्रिटेन और जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने कमान संभाली और दोनों देशों के फाइटर जेट ने रूस के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए उड़ान भरी। रूस के विमानों में 1 जासूसी विमान के साथ रूस के 2 सुखोई लड़ाकू विमान भी शामिल, जिसकी खबर मिलते ही ब्रिटेन का एक टाइफून फाइटर जेट और जर्मनी का एक लड़ाकू विमान भी उसी इलाके में पहुंच गए। दावा है कि जर्मनी और ब्रिटेन के फाइटर जेट को देखते ही रूस के 3 विमान वहां से वापस चले गए। हालांकि बाद में रूस ने दावा किया कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में उड़ान भर रहे थे, लेकिन नेटो को रूस पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि वो रूस के किसी भी कदम को हल्के में नहीं लेता। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही यूरोप के उन देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है जो यूक्रेन के मददगार। रूस कई बार ये खुलकर कह चुका है कि देर सवेर यूक्रेन के साथ खड़े देशों को कीमत चुकानी होगी। इसी वजह से नेटो के पूर्वी छोर यानी पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक देशों पर खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है
रूस की परेशानी भी बढ़ रही है। नेटो देशों की मदद की वजह से यूक्रेन को पस्त करने की रूस की हर कोशिश फेल हो रही है। माना जा रहा है कि रूस की यही बौखलाहट पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर भारी पड़ सकती है। पोलैंड में अमेरिका के सैनिक और लड़ाकू विमानों के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात हैं, तो लातविया में वो मिलिट्री ड्रिल करके रूस को चेतावनी देता रहा है। एस्टोनिया में तो ब्रिटेन ने अपनी वायुसेना की फ्लीट ही तैनात कर रखी है, लेकिन लगता है कि रूस नेटो से भी दो दो हाथ करने को तैयार है, क्योंकि नेटो की तमाम कोशिशों के बाद भी रूस के लड़ाकू विमान लगातार बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरकर वहां मौजूद देशों को डराते रहते हैं।